एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इसमें देखना है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और उसमें चार पॉइंट थे। उसमें था कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन है, कॉस्ट ऑफ अप्राइजल है, कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेल्यूर है, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेल्यूर। ये जो चार पॉइंट है वो एक एक वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट एसोसिएट विद पर्सन एंगेज्ड इन डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग योर क्वालिटी सिस्टम। ये कॉस्ट क्या है कि जो आपके पर्सन एंगेज है आपकी एक आधी क्वालिटी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसको वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किए वाले सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट जाती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अभी ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो फेल्यूर कॉस्ट है और आपकी जो अप्राइजल कॉस्ट है उसको मिनिमम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। उसके बाद अभी ये जो मेंटेनिंग सिस्टम है अगर आप मेंटेन करना है आपको तो आपको उसको कभी कभी ऑडिट भी करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है अभी कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में, कि पहली बात आती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग में क्या है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी प्लान। आपका जो ओवरऑल क्वालिटी प्लान है वो जो प्रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट जाएगी वो क्या होता है, इसमें आपके कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लानिंग में जाती है। उसमें क्या क्या है, आपका प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जाता है, फिर उसके बाद आपका इंस्पेक्शन प्लान का कॉस्ट जाता है, रिलायबिलिटी का प्लान का जो है वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। अभी आपका ये जो प्लान बना है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो प्लान को प्रिपेयर मैनुअल्स एंड प्रोसीजर्स। आपको एक मैनुअल्स और प्रोसीजर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और वो जो मैनुअल और प्रोसीजर्स है आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करने पड़ेंगे जो आपके कंसर्न है, जो आपका प्लान इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनको कम्युनिकेट करने। ये जो कॉस्ट जाएगा ये किस में जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग में जाएगा। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट। प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट में क्या है, इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटी प्लान्स। आपके जो क्वालिटी प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट जाएगा प्लान्स एंड प्रोसीजर के लिए वो क्या होता है, इसमें जाएगा। अभी ये क्यों करना है कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो फिटनेस फॉर यूज़, मतलब उसके लिए ये करना है। बाद में है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस लिए चाहिए, अटेनिंग मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग योर क्वालिटी परफॉर्मेंस। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करने पड़ते हैं आपके जो वर्कर्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, उनके लिए कि आपकी जो क्वालिटी सिस्टम है उसको अटेंड कर सके, मेंटेन और इम्प्रूव कर सके। बाद में बात आती है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रिवेंटिंग एंड रिकरिंग डिफेक्ट। रिकरिंग डिफेक्ट्स मतलब क्या, जो बार बार होते हैं वो रिकरिंग डिफेक्ट्स। उसमें क्या है कि आपकी सुपरवाइजरी कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट, उसको क्या करना है आपको मेंटेन करना है कि वो जो डिफेक्ट्स है वापस ना हो इसलिए। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस एंड करेक्शन ऑफ कॉज बाय क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। आपके जो अगर कुछ फेल्यूर हुआ है आपके कंपनी में तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर करेक्शन एक्शन लेना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से। सेम है, सेम प्रोसीजर क्या होगी, आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा वो भी सेम एक्शन करेगा। फिर उसके बाद बात आती है कॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोग्राम। आपके जो पूरे वर्कर है, मैनेजर, उनके लिए क्वालिटी के बारे में एक अवेयरनेस का जो उनके ये करना है उसके लिए जो कॉस्ट जाएगी वो भी कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।